Hello students, now exercise number 15.2, question number 4. State whether true or false. Correct that are false. और जो false statements है उसे हमें correct करना है. Now the first one is, a point whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on a y axis. हमें ये देखना है कि x coordinate पे 0 लेना है और y coordinate पे हमें non-zero number लेना है. और देखना है कि वो जो नंबर्स है वो y एक्सिस पे लाई होते हैं या नहीं. सो सी नाउ x एक्सिस पे हमें क्या लेना है, जीरो कोऑर्डिनेट लेना है और y एक्सिस पे नॉन ज़ीरो. नाउ नॉन ज़ीरो यानी 1, 2, 3 हम कोई भी नंबर ले सकते हैं. सपोज़ यहाँ पे हम 2 लेते हैं, तो x एक्सिस पे अगर हम 0 लेंगे और y एक्सिस पे हम 2 लेंगे तो इससे हम प्लॉट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 0 एंड 2. तो ये जो नंबर्स है वो कहाँ पे प्लॉट हुए हैं, वाई एक्सिस पे. तो ये जो फर्स्ट हम स्टेटमेंट गिवन है वहाँ पे क्या आंसर आएगा, ट्रू. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू. नाउ सेकंड, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन वाई एक्सिस. नाउ वाई कोऑर्डिनेट के हमें 0 लेना है और एक्स कोऑर्डिनेट पे हमें 5 लेना है और देखना है कि ये जो नंबर्स है 0 एंड 5 वो वाई एक्सिस पे लाई होते हैं या नहीं. सो लेट्स सी नाउ, वाई एक्सिस पे हमें 0 लेना है और एक्स एक्सिस पे हमें 5 लेना है, तो वो प्लॉटिंग कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 5 एंड 0. नाउ ये जो लाइन कौन सी लाइन पे प्लॉट हुआ है, 5 एंड 0, वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट हुआ है, तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला वो आएगा फॉल्स. सो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स और इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, दिस पॉइंट विल लाई ऑन अ एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका करेक्ट स्टेटमेंट, दिस पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नाउ द लास्ट वन इज, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 एंड 0. नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, नाउ ओरिजिन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट होती है लाइन वहाँ पे, उस पे कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0 एंड 0 होता है. सो यस, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. हाउ सी, यहाँ पे हम देखें 0, इसको ओरिजिन बोलते हैं जहाँ से ये दोनों एक्सिस स्टार्ट होते हैं. अब यहाँ पे कौन से पॉइंट्स आते हैं, दैट इज 0 एंड 0. सो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आएगा ट्रू. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 15.2.